क्या आपको पता है कि मौत होने से 3 से 4 मिनट तक मरा हुआ इंसान पास बैठे लोगों की बात सुन सकता है? क्या आप दुनिया के सबसे मजबूत पत्ते के बारे में जानते हैं जो छोटे कीड़े मकोड़ों के साथ साथ इंसान का वजन भी आसानी से उठा सकता है? क्या आप उस महिला के बारे में जानते हैं जो बिना नाक के जीवित है? या फिर क्या आपने दुल्हन की तरह दिखाई देने वाले झरने के बारे में सुना है? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, अगर हम फ्रिज में किसी तरल यानी लिक्विड चीज को रखते हैं तो वो तापमान ठंडा होने की वजह से जम जाता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा लिक्विड भी मौजूद है जो कड़ाके की ठंड होने की स्थिति में भी कभी नहीं जमता। इस तरल पदार्थ का नाम है गैसोलीन, जिस पर कम या ठंडे तापमान का कोई असर नहीं होता है। दरअसल गैसोलीन में कई तरह के विभिन्न पदार्थ मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो कम या ठंडे तापमान में भी जमता नहीं है। साइंटिफिक शब्दों में कहा जाए तो गैसोलीन में जमने वाली प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं होती हैं जिसकी वजह से इसे बर्फ की तरह जमा पाना संभव है। फैक्ट नंबर 2, यूं तो दुनिया में एक से बढ़कर एक प्राकृतिक और खूबसूरत चीजें मौजूद हैं जो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे झरने के बारे में सुना है जिसका आकार बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह दिखाई देता हो? अगर नहीं तो इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए जो दुनिया के सबसे खूबसूरत और आकर्षक टूरिस्ट प्लेस में से एक है। पेरू में मौजूद इस झरने को ब्राइडल व्हील फॉल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें बहने वाले पानी का आकार बिल्कुल किसी वेस्टर्न दुल्हन की तरह दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर इस वाटरफॉल की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर लोगों के मन में ये सवाल है कि ये तस्वीर सच है या फिर फोटोशॉप का कमाल। लेकिन हम आपको बता दें कि ये प्रकृति का कमाल है जिसने इस खूबसूरत झरने का निर्माण किया है। इस ब्राइडल व्हील फॉल की लंबाई लगभग 50 मीटर है जो साल 2018 में पहली बार पर्यटकों की नजरों में आया और देखते ही देखते पेरू का प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस बन गया। इस झरने को देखकर ऐसा लगता है कि कोई लड़की दुल्हन के जोड़े में खड़ी है और अपने दूल्हे के आने का इंतजार कर रही है, जो बहुत ही अविश्वसनीय और अद्भुत नजारा लगता है। फैक्ट नंबर 3, अगर आपको लगता है कि लंबी बाइक सिर्फ फिल्मों में ही होती है जिसमें एक साथ 4 से 5 लोग बैठते हैं तो आप अपनी सोच को बदल लीजिए। अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में फिल्मों में दिखाई जाने वाली बाइक से भी लंबी बाइक मौजूद है तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये है दुनिया की सबसे लंबी बाइक। इस बाइक की कुल लंबाई 47.5 मीटर यानी 155 फीट 8 इंच के करीब है, जिसे साल 2020 में बनाया गया था। इस बाइक को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में रहने वाले बर्नी रैन नामक शख्स ने तैयार किया है, जिसमें एक साथ कई लोग बैठकर शान की सवारी कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपको दुनिया की सबसे लंबे बाइक की सवारी करनी है तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। फैक्ट नंबर 4, आज तक आपने पक्षियों के कई तरह के घोंसले देखे होंगे जिन्हें वो खुद बनाते हैं और अपने अंडे उसमें रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला कहाँ है और उसे किसने बनाया है? अगर नहीं तो इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। पाकिस्तान के लाहौर शहर में मौजूद ये दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला है जिसे खुद इंसानों द्वारा बनाया गया है। इस घोंसले को इतने आकर्षक और अलग तरीके से बनाया गया है कि इसे देखने पर ऐसा लगता है कि ये पक्षियों का पूरा शहर बसा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये घोंसला इतना बड़ा है कि इसके अंदर लाहौर के पूरे पक्षी आकर रह सकते हैं। हालांकि ज्यादातर पक्षियों को अपने बनाए घोंसले में रहना पसंद होता है, इसलिए लाहौर में बनाए गए इस घोंसले में कुछ ही पक्षी आकर रहते हैं। फैक्ट नंबर 5, आपने सूर्पनखा का नाम तो सुना ही होगा, जिसकी नाक लक्ष्मण जी ने काट दी थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चेहरे पर बिना नाक के इंसान कैसा दिखाई देगा? अगर नहीं तो इस महिला को अच्छी तरह से देख लीजिए। ये है टीना बेट्टी, जिन्हें साल 2014 में नाक में कैंसर हो गया था। ऐसे में उन्हें सर्जरी के जरिए अपनी नाक को शरीर से अलग करवाना पड़ा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो कैंसर उनके पूरे शरीर में फैल सकता था। ऐसे में जब टीना ने अपने चेहरे से नाक अलग की तो उनका फेस बहुत ही अजीब और अलग दिखाई देता था। खुद टीना को भी अपनी नाक वाला हिस्सा बहुत ही अजीब लगता था, क्योंकि वहां पर सांस लेने के लिए एक बड़ा सा होल छोड़ दिया गया था। ऐसे में टीना ने अपने चेहरे को सामान्य दिखाने के लिए रबर वाली नकली नाक को फेस पर चिपका लिया ताकि वो कॉन्फिडेंट महसूस कर सके। लेकिन बाद में टीना को महसूस हुआ कि उन्हें अपने असल चेहरे को अपनाना होगा, इसलिए उन्होंने नकली नाक लगवाना छोड़ दिया और अपने असल चेहरे के साथ बाहर जाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें लोगों की अजीब नजरों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उनके लिए ये सब बातें बहुत ही नॉर्मल हो चुकी हैं। सच में इस तरह आम लोगों के बीच बिना नाक के नॉर्मल लाइफ जीने के लिए बहुत ही हिम्मत और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। फैक्ट नंबर 6,
आमतौर पर जब हम किसी कॉफी शॉप या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें वहाँ खाने और कॉफी का बिल चुकाना पड़ता है, लेकिन रूस में एक ऐसा कॉफी शॉप है जहाँ आने वाले ग्राहकों को फ्री में कॉफी सर्व की जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस कॉफी शॉप में ग्राहकों से कॉफी या किसी चीज को खाने के पैसे नहीं लिए जाते हैं, बल्कि इस चीज के पैसे लिए जाते हैं कि उन्होंने कितना वक्त कॉफी शॉप में बिताया है। यानी इस कॉफी शॉप में आने वाले लोग अगर एक घंटा या उससे ज्यादा का वक्त वहाँ बिताते हैं तो उन्हें कॉफी के नहीं बल्कि समय बिताने के लिए बिल पे करना होगा। कॉफी शॉप द्वारा ये आइडिया इसलिए अपनाया जाता है ताकि लोगों को टाइम की वैल्यू हो और कॉफी शॉप के मालिक टाइम इज मनी के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दे सके। फैक्ट नंबर 7, अगर आपको लगता है कि इंसान की मृत्यु के बाद उसका शरीर भी पूरी तरह से निर्जीव हो जाता है तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। असल में जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके शारीरिक अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में मृत्यु के बाद इंसान को सबसे पहले किसी भी चीज को छूने का एहसास नहीं होता है क्योंकि वो सेंसर ऑफ टच खो चुका होता है। लेकिन मौत के 3 से 4 मिनट बाद भी मृतक को अपने आसपास होने वाली बातचीत और घटनाओं की आवाज सुनाई देती है क्योंकि मृत्यु के बाद सेंसर ऑफ हियर सबसे आखिर तक काम करता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसकी बॉडी 3 से 4 मिनट तक अपने आसपास हो रही बातों को सुन सकती है, भले ही वो उस पर रिएक्ट ना कर पाए। फैक्ट नंबर 8, एनिमल किंगडम में भी इंसानों की तरह जीव जंतुओं को बुढ़ापा आता है जिसकी वजह से उनका शरीर कमजोर हो जाता है और एक समय बाद उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जानवरों की दुनिया में एक ऐसा जीव भी मौजूद है जो बढ़ती उम्र या बुढ़ापे की वजह से नहीं मरता है। उस जीव का नाम है मगरमच्छ, जिस पर बढ़ती उम्र का कोई असर नहीं होता है और ना ही उसे बुढ़ापा आता है। मगरमच्छ की मौत का मुख्य कारण बीमारी से ग्रस्त होना होता है जिसकी वजह से उसका शरीर कमजोर हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगर एक मगरमच्छ को कोई बीमारी ना हो तो वो 100 से भी ज्यादा साल की जिंदगी जी सकता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि मगरमच्छ बुढ़ापे की वजह से नहीं बल्कि बीमारी की वजह से मरता है और उस पर बढ़ती उम्र का कोई असर नहीं होता है। फैक्ट नंबर 9, आपने आज तक कई तरह के पेड़ पौधे और पत्ते देखे होंगे जिनका रंग, रूप और आकार एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पत्ते के बारे में सुना है जो इंसानी वजन को भी आसानी से उठा सकता है? अगर नहीं तो ये है दुनिया का सबसे मजबूत और विशाल पत्ता, जिसे विक्टोरिया वाटर लिली के नाम से जाना जाता है। ये एक खास तरह का पौधा है जिसके पत्तों की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर तक होती है। विक्टोरिया वाटर लिली मुख्य रूप से पानी में उगता है जिसके पत्ते सतह पर गोल आकार की नाव की तरह तैरते रहते हैं। ये पत्ते इतने विशाल और मजबूत होते हैं कि उसमें 60 से 80 किलोग्राम वजन का इंसान आसानी से खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि इन पत्तों का इस्तेमाल पर्यटकों को आकर्षित करने और उन्हें पानी में नाव की सवारी करने के मकसद से किया जाता है। हालांकि इस पौधे को देखने के लिए आपको साउथ अमेरिका में स्थित गयाना में जाना होगा क्योंकि इसके अलावा विक्टोरिया वाटर लिली कहीं और पैदा नहीं होता है। फैक्ट नंबर 10, जब कभी हम सोकर उठते हैं या बहुत देर तक आसमान को देखते हैं तो हमें हवा में कीटाणु के आकार की चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हवा में दिखाई देने वाली वो चीज क्या होती है और हमें क्यों दिखाई देती है? अगर नहीं तो इस साइंस को आज समझ लीजिए। दरअसल इंसान की आंखों के रेटिना में एक खास प्रकार का केमिकल होता है जो रेटिना को धूल, मिट्टी और पानी से डैमेज होने से बचाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ने लगती है वो केमिकल रेटिना में जल की तरह चिपक जाता है। ऐसे में रेटिना के बाहरी छोर में जल चिपकने की वजह से उसकी आकृति कीटाणु जैसी हो जाती है जो आंखों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जब इंसान तेज रोशनी की तरफ देखता है तो लाइट की वजह से वो जल रिफ्लेक्ट होता है और इंसान को हवा में कीटाणु की मौजूदगी होने का एहसास होता है। ऐसे में अगर आपको कभी हवा में या आसमान की तरफ देखते हुए इस तरह की कीटाणु दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि आपकी आंखों के रेटिना में चिपका हुआ जल लाइट से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये एक बहुत ही सामान्य एजिंग प्रोसेस है जो हर इंसान के साथ होता है। फैक्ट नंबर 11, पार्ले जी भारत का बहुत ही प्रसिद्ध बिस्किट ब्रांड है जिसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर उम्र के लोग खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पार्ले जी में इस्तेमाल होने वाली जी का मतलब क्या है? अगर आप सोच रहे हैं कि उसका मतलब जीनियस है तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल जब पार्ले जी की शुरुआत की गई थी तो उसमें इस्तेमाल होने वाले जी शब्द का मतलब ग्लूकोज था। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में पार्ले जी की मांग बढ़ने लगी तो उसने अपने विज्ञापन के लिए नया स्लोगन तैयार किया। इस स्लोगन के चलते पार्ले जी में इस्तेमाल होने वाले जी का मतलब ग्लूकोज से बदलकर जीनियस कर दिया गया। इसलिए अब हम सभी को पार्ले जी के एड में जी माने जीनियस शब्द सुनने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।